हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं हूं तारा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए को रिएक्शन वीडियो। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूं उसका टाइटल है 100 इयर्स ओल्ड दिस मॉस्क्यू ऑफरिंग रोड साइड इफ्तार इन दुबई। तो दुबई में जो है 100 साल पुरानी मस्जिद है जो लोगों को फ्री में इफ्तारी करा रही है। तो वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्या बात है। ये देखें, बिरयानी बनी हुई है यहाँ पर, मज़ेदार खुशबू आई है इसकी, धुएं निकल रहे हैं, क्या बात है। ये खवातीन को भी इज्जत दे रहे हैं क्योंकि वो जेंट्स के साथ नहीं बैठती, तो उनको लेके जाने देते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। अच्छा, घर का बना हुआ है? घर का बनता है, रेस्टोरेंट का नहीं? नहीं नहीं नहीं, घर में बनता है, खाना बनता है। ये बाबा दादा के जमाने से दे दे, अभी बाबा दादा चला गया, अभी बच्चे उसके हैं माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये कश्तियां हैं दुबई की और इस पे एक दिरहम दो और चले जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और अभी मैं आया हुआ हूं यहां पर दुबई में, देरा दुबई में बिन शबीब मस्जिद के पास। और यहां पर बहुत बड़े दस्तरखान होते हैं और ख़ास तौर पे देगें ले आते हैं, जैसे यहां पर देग चल रही है। सब कुछ आपको शुरू से इंशाल्लाह दिखाएंगे और आज की इफ्तार आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ से, देरा दुबई से। और बहुत बड़ी, बहुत यहाँ पर माहौल होता है, पूरा माहौल आपको दिखाएंगे। दूसरा दिन यूएई में और पहला दिन समझ लें दुबई में। नासिर भाई से मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, कैसे हैं नासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, अल्लाह का करम। मेरे तो सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक, खैर मुबारक, और आपको वेलकम अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन, आपकी मोहब्बत है। देखिये यहाँ पे तो दुबई है, ये तो इफ्तार यानी आपको 1 स्टार से 5 स्टार तक मिल जाएगा। हाँ, ये तो है। लेकिन जो मजा तंग गलियों, पुरानी गलियों में है ना, वो नहीं है कहीं। हाँ, ये तो है। तो इंशाल्लाह जाएंगे सूग मुर्शिद। अच्छा। मुर्शिद बाजार, वहाँ पे एक मस्जिद है बिन शबीब नाम की। ओके। बिन शबीब एक कबीला है। ओके। तो ये बोलते हैं कि तकरीबन 1900 से ये मस्जिद है। अच्छा। यानी वो फिर रिपेयर की है। लेकिन ये जो कबीला है बिन शबीब, वो जो है इफ्तारी में और जो है अपना ईद में जो जो खाना आता है वो उनकी घर से ही आता है। अच्छा, यानी कि 1900 से इनके घर से ही खाना ये लोग हर इफ्तार में दे रहे हैं। बिल्कुल, रमजान शरीफ। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम लोग इंशाल्लाह दुबई की इफ्तार भी देखेंगे और साथ साथ रात को डिनर करने भी जाएंगे कहीं पर, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब जनाब आला, हम लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क हमने कर दी है मीना बाजार में, पर दुबई में, और यहाँ से अबरा लेंगे, वो जो कश्ती होती है जो आपको नहर के इस पार से लेके दूसरे पार छोड़ देती है, तो उस कश्ती से लेंगे, उसको अबरा कहते हैं बेसिकली। और भाई ने जनाब खजूर ले लिए साथ में, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। कौन कौन से समोसे हैं भाई आपके पास? वाला सब्जी वाला, खीमा वाला, चीज वाला, चिकन वाला, कौन सा चाहिए? ये भी आलू वाला गरम गरम अभी आया। अच्छा, और पकौड़े कौन कौन से? पकौड़ा प्याज और पालक, ये वाला आलू पकौड़ा है। प्याज और पालक आलू पकौड़ा, एक है, एक है, ये वाला कौन सा वाला? ए फलाफल हिंदी, हसन फलाफल हिंदी, वाह, हिंदी फलाफल भी आ गया मार्केट में भाई। ये देखें इधर भी भाई पकौड़े, माशाल्लाह तबारक। कौन कौन से पकौड़े हैं भाई आपके पास? समोसे, समोसा वेजिटेबल, समोसा कीमा, समोसा चिकन, समोसा चिकन बड़ा वाला, चिकन रोल, चिकन करता है, बनाना फ्राई, मिर्ची भाजी, आलू चीज, वाह, वेजिटेबल, 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 वेजिटेबल समोसा है जनाब वहाँ पर। कीमा, कीमा कौन सा है, चिकन है या मटन है? कौन सा? मटन, मटन, मटन कीमा, आलू वाला कीमा, आलू वाले समोसे हैं जनाब यहाँ पे, रोल हैं, क्या बात, माहौल बना हुआ है भाई। इधर भी देखें जनाब समोसे पकौड़े, क्या बात, समोसा पकौड़ा, मिर्ची यहाँ पर तली हुई रखी हुई है, सॉसेज वगैरह रखे हुए हैं, वाह पूरा माहौल बना हुआ है जनाब। देखें भाई यहाँ पर सही माहौल बना हुआ है पकौड़े समोसे का मीना दुबई में, और स्किल्स देखी हैं भाई की कैसी, नेक्स्ट लेवल स्किल्स हैं। ये देखें भाई, ये कश्तियाँ हैं दुबई की और इस पे एक दिरहम दो और चले जाओ। Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mumin.
ले सर आ गए हम लोग देरा दुबई में, बार दुबई से बैठे देरा दुबई में आके उतरे। ये जो बाजार है इसका नाम मुर्शिद बाजार है। अच्छा मुर्शिद बाजार, मुर्शिद बाजार नाम है इसका। ये जो दुबई का पहला देरा साइड में बाजार था ना, ये वही है। ये जनाब आला इसको मंदूस बोलते हैं, और ये वो संदूक है जिसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेटी वगैरह को सामान देते हैं या इंडिया में देते हैं जहेज, तो इसमें रख के देते हैं। यहाँ पर ये वो है। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं मस्जिद शेख राशिद बिन अहमद बिन शबीब, और यहाँ पर काफ़ी दस्तरखान लग गए हैं, यहाँ पे देगें आ गई हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे अभी सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ तो आपको पूरा माहौल दिखाते हैं यहाँ से। ये देखें, इस रास्ते पे दस्तरखान लग गया है, और इस रास्ते पे भी लग गया है दस्तरखान। आप देख रहे हैं इधर भी है एक, एक उधर भी है, और इधर देखें इस रास्ते पे भी ये पूरे दस्तरखान लग रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह तबारकल्ला। देखें ये ब्लू वाला लग गया, उधर येलो और भी शायद लगेंगे, और इधर देखें माशाल्लाह देगें आ गई हैं खाने की। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। ये देखें भाई, इधर केले काटे जा रहे हैं और रोज़ेदारों की खिदमत की जा रही है इसमें। ये देखें यहाँ पे पानी और लबन रख दी हुई है, और इधर ऑरेंज रखते जा रहे हैं भाई, फ्रूट भी साथ में माशाल्लाह। माशाल्लाह लोगों ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पे जनाब आला। ये इमाम साहब हैं माशाल्लाह मस्जिद के, और ये बता रहे हैं कि ये 1800 से, 1900 से भी नहीं, 1800 से ये मस्जिद है। और यहाँ पर जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी वो काजी थे इस इलाके के, काजी मतलब जज। तो वो इमाम भी थे, फिर उनके बेटे इमाम बने, और इसी तरीके से ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है, बिन शबीब नाम से मशहूर है ये मस्जिद। और अभी कह रहे थे कि एक आदमी यहाँ पर इफ्तार करता है, वो आके बताता है कि मैं 40 साल से कर रहा हूँ। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है मैं 45 साल से कर रहा हूँ। और इसी तरीके से ये इसी तरीके से देखें बना के ले आते हैं और इफ्तार करते हैं, यहाँ पर लोगों को देते हैं। هذا عبد الملك هذا يتكلم اردو يا يتكلم اردو كتنے عرصے سے آپ ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں تقریبا 80 میں آیا بازار میں 80 میں آیا آپ بازار میں جب ہم 11 سال تھا اچھا اور تب سے آپ ادھر آ رہے ہیں ہاں ادھر آئے گا پہلے ادھر پرانا مسجد تھا اچھا پھر اس کو شہید کیا پھر نیا بنایا اچھا ماشاءاللہ جی تقریبا 44 ایئرز میں ادھر آتا ہے ماشاءاللہ عبد الرحیم عواطی ماشاءاللہ اهلا وسهلا یہ سب مہمان ہیں مسجد کے مہمان ہیں اللہ عز وجل قبول کرے بس الحمدللہ جو یہ بنانے والا ہے صاحب المسجد یہ اس کا بابا دادا یہ کام کرتا تھا فی سبیل اللہ یہ گدر کا کام ادھر بنانا یہ اچھا ان کے گھر میں دوست یہ کھانا بنتا ہے اچھا گھر کا بنا ہوا ہے گھر کا بنتا ہے ریسٹورینٹ کا نہیں 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 گھر میں بنتا ہے کھانا بنتا ہے ये बाबा दादा के ज़माने से दे अभी बाबा दादा चला गया अभी बच्चे हैं उसके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं उनके अच्छा। माशाल्लाह शेख खालिद शेख सईद व शबीब है डॉक्टर राशिद वो सब माशाल्लाह मस्जिद का अहतमाम ख्याल वो करते हैं माशाल्लाह अभी चंद 2 हफ्ते पहले मस्जिद का पूरा मस्जिद तरमीम किया अभी नियोग किया मस्जिद और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर से उधर ये तबाख वो किचन वाला आएगा बनाएगा अच्छा और फिर गाड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उनका है और इधर कितनी 2 मस्जिदें हैं इनकी बिन शबीब तकरीबन दुबई में इनकी तकरीबन 4 मस्जिद हैं 2 दुबई में 2 शारजा में अच्छा शारजा में भी इनकी मस्जिद हैं लेकिन जो ये सिस्टम वाला किधर से जो जाता है 2 मस्जिद है एक इंटरनेशनल सिटी में एक ये देरा मस्जिद बाजार में तो ये घर के बन के आता है क्या आप मुस्लिम है या रोजा है आपका नहीं है जो आता है खाता है जो आता है आके बैठ जाता है खाना खा के चला माशाल्लाह देखें जनाब आला इधर ये पूरे दस्तरखान लगे हुए हैं ये यहाँ पर देखें फ्रूट बांट रहे हैं ये वाला दस्तरखान देखें वो गली के आखिर तक जा रहा है और ये इधर मस्जिद है और ये मस्जिद के सामने यहाँ पर देगें रखी हुई हैं और यहाँ पे 2 दस्तरखान गली के आखिर तक हैं और अब आगे इधर चलते हैं ये देखें ये पूरा गली के एंड तक यहाँ पर दस्तरखान है और ये इधर 2 साइडों पे इन्होंने लगाए हुए हैं उधर है एक दस्तरखान ये पूरी गली के आखिर तक देखें पूरे दस्तरखान लगे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह तबारकअल्लाह देखें अभी ये प्लेटें आ गई हैं इधर थाल जिसको कहते हैं ये थाल आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर माशाल्लाह
और ये जो सब भाई हैं ना, ये माशाल्लाह वॉलंटियरली काम करते हैं यहाँ पर, मतलब कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते यहाँ पर, सिर्फ लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, माशाल्लाह तबारक। रोज़ा तो है लेकिन जो खुशबू है ना खुशबू ने जो है काम खराब कर दिया है। और हम लोग बैठे भी तो इधर सामने है ना, सामने ये सेंटर में हम बैठे हैं तो पूरी खुशबू इधर ही आ रही है बस। ये अभी शुरू होने लगा, ये देखें पहली देख खुल रही है माशाल्लाह, ये माशाल्लाह तबारक अल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें चिकन है ऊपर और इसको अभी मिक्स किया जा रहा है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह क्या बात है। ये देखें बिरयानी बनी हुई है यहाँ पर, मज़ेदार खुशबू आई है, इसकी धुएँ निकल रहे हैं, क्या बात है। होममेड होममेड होममेड, हाँ लो जी क्या बात है। ये खावतीन को भी इधर दे रहे हैं क्योंकि वो जेंट्स के साथ नहीं बैठती, तो उनको लेके जाने देते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह देते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं और वो नीचे से और गोश्त निकलता आ रहा है, मतलब और ज़्यादा मुर्गी नीचे से भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ऊपर पड़ी हुई थी वो तो वैसे ही सजाई हुई थी, अब असल माल जो है नीचे से निकल रहा है माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह दूसरी देख भी खुल गई है, क्या बात है, ओ माशाल्लाह। उधर एक और देख भी आ गई, कितनी देख होती है रोजाना? तीन 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 होती है रोजाना, ये अभी आई है, सेम एक ही चीज है तीनों में? नहीं नहीं यही यार का मटन है ये भाई, माशाल्लाह 25 साल से यूं ही चावल इधर डाल के रोजाना लोगों की रोजेदारों की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला इनका कबूल फरमाए ये और अजर दे इनको अल्लाह ताला, यार क्या बात है माशाल्लाह। आपको 13 साल हो गए, इनको 25 साल हो गया ना? पुलाव भी आ गया। हाँ देखे, ये और देख आ गई, ये जा रही है यहाँ से माशाल्लाह, चलती जा रही है, क्या बात है माशाल्लाह। माशाल्लाह माहौल बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, चावल डाल डाल के देते जा रहे हैं और जो यहाँ पर वॉलंटियर हैं वो लोग उठा उठा के लोगों के आगे पेश करते जा रहे हैं चावलों की प्लेटें, और साथ साथ वहाँ पर फ्रूट लबन पानी वगैरह रखा हुआ है और सब लोग बड़ा क्वाइटली आराम से प्यार से महतराम से बैठे हैं, कोई मारा मेरी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कोई बदमजगी हो या कुछ इस तरह का हो, तो ये बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है हर चीज़ और गलियों में है। अच्छा ये गलियाँ वो हैं, ये पूरे बाज़ार हैं यहाँ पर ना, पतली पतली गलियाँ हैं इन बाज़ारों की और ये पुराने बाज़ार हैं डेरा दुबई। अगर जो लोग नहीं जानते, डेरा दुबई दुबई का सबसे पुराना इलाका है और यहाँ पर अक्सर दुकानदार ईरानियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पर, बांग्लादेशियों की इस इलाके में इस मोहल्ले में मुझे ठीक ठाक तादाद नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर बांग्लादेशियों की, वरना पाकिस्तानी भी हमारे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं यहाँ पर, और ईरानीज़ यहाँ पर हैं बहुत ज़बरदस्त, तो वो सब लोग यहाँ पर देखें, पाकिस्तानी ईरानी बांग्लादेशी इंडियन सब लोग इकट्ठे बैठ के यहाँ पर अपनी इफ्तार शेयर कर रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भी, और साथ भी अपने भाईचारे का इजहार कर रहे हैं बैठ के। माशाल्लाह किधर से हैं आप? मैं ईरान का हूं। ईरान से माशाल्लाह। बुलगान शरीफ। मुगल शरीफ। बुलगान शरीफ। बुलगान शरीफ माशाल्लाह। अच्छा पहले जो बाटी है वो बिरयानी थी, अभी पुलाव आ गया, ये अभी पुलाव डालते जा रहे हैं, लेकिन फुल इसमें ना मिर्ची विर्ची हर चीज़ नज़र आ रही है पुलाव के अंदर ना, सही मसाले हैं। क्या बात है, समोसे आ गए जनाब, कौन से कीमे वाले हैं? आलू वाले हैं यार। आलू वाले। आलू वाले हैं, वाह शेख। इधर ये कितना प्लेट कितनी होती है टोटल, ये जो यहाँ पर तकरीबन अभी 1000 आदमी का खाना आ रहा है। अच्छा 1000 आदमी का, माशाल्लाह। ये इस साल पिछले साल तकरीबन ये बड़ा ये जो है गिदिर ये 5 आता था, इसे 5 गिदिर आता था माशाल्लाह। पिछले साल 1500 का तकरीबन खाना था पिछले साल, अभी 1000 है, और जितना आदमी ज्यादा होगा
को हम फिर ज्यादा करते खाना ज्यादा। अच्छा माशाल्लाह। तो ये एक जो प्लेट है इसमें कितने, चार लोग खाते हैं? चार आदमी खाते हैं। कितना प्लेट माशाल्लाह? बस 1,250 प्लेट हो गई ना, 1,000 तकरीबन ऐसे। और एक्स्ट्रा प्लेट भी है, एक्स्ट्रा प्लेट भी आपने रखा हुआ है जब मेहमान ज्यादा है तो ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज तरतीब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल कर, अल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह यबारक फी हुकामहुम व शअबहुम وشيوخهم والله يرحم الشيخ زايد زايد الخير منهم تعلمنا الكرم وتعلمنا الإنسانية وتعلمنا الرحمة الله يرحم الشيخ زايد ويبارك الحكام الموجودين الشيخ محمد بن زايد محمد بن رشيد الله يطول عمرهم وخليهم ذخر لنا ولا ننسى كذلك دائرة الشؤون الإسلامية لهم الفضل وتوجيهاتهم وترتيباتهم चलें जी। इस वक्त बहुत खूबसूरत माहौल है और बिल्कुल अज़ान का वक्त करीब है। हम लोग आज जा रहे हैं अंदर मस्जिद में, इंशाल्लाह इमाम साहब के साथ, शेख के साथ हम लोग इफ्तार करेंगे साथ बैठ के, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के यहाँ से रवाना होंगे और फिर आपको डिनर पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ लम्हात रह गए हैं इफ्तार में, और इमाम साहब ने, अब्दुर्रहमान भाई ने, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आदा वाजिब, ये आपके मेहमान नवाजी कम थी है, जज़ाकअल्लाह खैर, और खिदमत इसके बाद नमाज के बाद करेंगे, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो इधर हम लोग इफ्तार करने वाले हैं इंशाल्लाह। लें जनाब, जो पुलाव जा रहा था मैं आपको बता रहा था कि इसमें मसाले नज़र आ रहे हैं, ये पुलाव ट्राई करने जा रहे हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के। वालेकुम अस्सलाम। हम आप सबके दोस्त हैं, आप सबके भाई हैं। भाई पुलाव खाया है, ज़बरदस्त स्पाइसी है, और ये बिरयानी है। हाँ ये चेक कर रहे हैं। हाँ दोनों ही चीज़ें बहुत मज़ेदार माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला इनको बरकत दे, बहुत मज़ेदार दोनों चीज़ें। ये रमज़ान मार्केट इधर बनाई हुई है, ये छोटी छोटी दुकानें रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाएंगी? हाँ ये तकरीबन 20 दिन तक होंगी, अभी कम टाइम रह गया, हफ्ता रह गया। अच्छा ये, लेकिन ये सब छोटी छोटी, इनकी दूसरी दुकानें भी होंगी ना इधर, इन्होंने दूसरी ये छोटी बना इधर से लेके ये आखिर तक है। ये पूरी रमज़ान मार्केट है, ज़बरदस्त यार। ये भाई ने इधर रोका है ना आपका नाम? चाय भाई ने पिलाई है, हम ऐसे ही जा रहे थे बाजार से, तो भाई ने रोक के कहा है कि यार चाय पिए बगैर आपने नहीं जाना, तो भाई चाय के लिए रुक गए हैं इधर। चाय बहुत अच्छी है यार आपकी, ज़ाफ़रान वाली। तो ये थी वीडियो अब्दुल मलिक फरीद की, और इन्होंने जो है दुबई की इफ्तारी दिखाई, जिसमें दुबई की 100 साल पुरानी मस्जिद की तरफ से 1,000 से 1,500 लोगों को इफ्तारी कराई जाती है। और इन्होंने जो है बहुत अच्छी बात बोली कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही आते हैं, कोई भी आ सकता है और आते भी हैं, और उसने रोजा रखा हो नहीं रखा हो को उससे कोई फर्क नहीं है, वो यहाँ आते हैं और खाकर जाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुस्लिम्स ही आ सकते हैं और जिन्होंने रोजा रखा है वही आ सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और दूसरी बात ये कि दुबई में मोस्टली लोग जो है कमाने आते हैं, इंडिया से, नेपाल, ईरान इन्होंने बताया, पाकिस्तान, तो कई लोग जो है इफ्तारी अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।